इसमें ग्राम सड़ी में सब इंजीनियर से जानकारी मिली है कि 3 साल पहले इसमें काम हुआ था नल योजना का, जिसमें पाइपलाइन बिछाई गई और पंप डाला गया, लेकिन उसमें एस्टीमेट में बिजली के काम का प्रावधान नहीं था ट्रांसफार्मर लगाने का, इस वजह से वो बिजली के काम बस नहीं हो पाया, बाकी काम पूरे हो गए। इसका टेंडर योजना स्वीकृत है, टेंडर इसका लगाया जाना बिजली काम का, तो वो जैसे टेंडर स्वीकृत हो जाएगा तो उसमें डीपी लगा दी जाएगी और योजना चालू हो जाएगी। अब दोषी तो इसमें ऐसा ये है कि जितनी भी स्वीकृत थी लागत और जन भागीदारी से, क्योंकि ये काम हुआ 10% राशि से, तो उसमें फिर जितना भी काम हो सकता है, क्योंकि उसमें एक लिमिट बन जाती है कि हम इतना ही लाख का योजना बना सकते हैं, उतना ही काम कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें बिजली काम अलग से शामिल नहीं हो पाया। तो मतलब इसमें ये कहना चाहिए कि बाउंड थे स्कीम बनाने में, अगर फ्री हैंड होते तो उसमें ट्रांसफार्मर भी शामिल कर लेते, बोर 2 हो जाते, पाइपलाइन अगर बढ़ जाती, मतलब सब हो सकता था, लेकिन जो चूंकि पूरा गांव भी कवर करना था और कोई छूट ना जाए, इसलिए इसमें बिजली का काम पूरा शामिल हो नहीं पाया। योजना समथिंग 24 लाख के कुछ अंडर की है। अब जी कब तक चालू हो जाएगी संभवतः? इसका टेंडर यहाँ से बना दिया है, जैसे टेंडर इसका जारी हो जाएगा और फिर नियुक्ता कार्यादेश जारी हो जाएगा तो उसके बाद काम पूरा हो जाएगा। ये बताएं जो पाइपलाइन डली है इसमें से क्या पानी आ रहा है, पानी मिल रहा है क्या पीने के लिए? नहीं मिल रहा। कहाँ से लाते फिर आप पानी? कितने दूर है? 2 किलोमीटर से हाथ से ले आ रहा है। महीना खाने में आ जाए तो क्यों नहीं हो रही? आप लोग ने क्या प्रयास किए? प्रयास कर रहे कल आएंगे परसों आएंगे, ये कौन कहता है? ठेकेदार के और जो कुछ चला धोन था उसमें से नहीं मिल रहा, आज तक पानी नहीं आया उसमें। आप जब से डाली है तब से पानी नहीं आया इसमें। तो जी कब डाली गई है इसको? 1 साल के करीब हो गया जी। किसके द्वारा डाली गई है? ये किसकी कोई ठेका लाए हैं ये जानकारी नहीं है कौन है, लेकिन ठेका लाए हैं तो वो डाल। कितने की थी जी पाइपलाइन स्वीकृति? 15 लाख की थी, 15-16 के लगभग। हाँ। तो अभी ग्रामवासी कहाँ से पानी पी रहे हैं? कुआं से लाते हैं, एक टेम्परेटरी है तो वहाँ से भरते हैं, चलाते हैं इधर उधर से काम। और सरपंच ने क्या प्रयास किए पानी से? सरपंच बोलते हैं तो वो बोलते हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। RBS भारत लाइव टीवी पर खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट दें।